आज हम देखते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। देखिए हेलो एल्केन बनाने की विधि, ठीक है। हेलो एल्केन को जो है हम कई प्रकार से बनाते हैं। पहला देखिए ध्यान से, पहला ठीक है आपका हाइड्रोजन, जैसे हैलोजनीकरण द्वारा, अब हैलोजनीकरण किसे कहेंगे, पहले ये ध्यान दीजिए जो है, तब उसके बाद जो है हैलोजनीकरण की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। हैलोजनीकरण जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हैलोजन के अणु से क्रिया कराते हैं, तो उसे हैलोजनीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा जो है, उसे हैलोजनीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु में जैसे एल्केन के यौगिक, अब एल्केन के यौगिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एटीसी और भी आगे आते हैं जो है। तो पहला देखेंगे मेथेन, ये हो गया आपका मेथेन CH4, इसका नाम भी लिख दे रहे हैं जो है, ठीक है, इसका नाम हो गया मेथेन। अब इसका मुझे हैलोजनीकरण कराना है, तो हैलोजन हम जानते हैं कि आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो इसमें से किसी भी परमाणु के अणु से जब क्रिया कराएंगे, जैसे CH4 है तो CH4 का मैं क्लोरीनीकरण करा दे रहा हूं, तो ये Cl2 से क्रिया कराएंगे। लेकिन जब क्रिया कराएंगे तो ये ध्यान देखेंगे जो है कि इसको प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, जब ये क्रिया होगी, ठीक है, तो इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा और उसके स्थान पर क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बनाएगा आपका जो है CH3Cl, ठीक है, और यहां से जो हाइड्रोजन विस्थापित होता है, इसमें जो क्लोरीन होता है उसके साथ संयोग करता है और बनाता है HCl, इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसके एक और IPC नामकरण कर लेंगे, तो IPC नामकरण हो जाएगा क्लोरोमेथेन, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्रिया भी करा सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्रिया को ध्यान में रखेंगे, जैसे अब CH3Cl बना जो है, और फिर CH3Cl का पुनः क्लोरीनीकरण करा देंगे, क्लोरीन के साथ क्रिया करा देंगे जो है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां से एक हाइड्रोजन पुनः विस्थापित होगा और उसके स्थान पर एक क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा जो है, तो ये बनाएगा तुरंत जो है CH2Cl2 + HCl बनाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरोमेथेन, और इसका नाम ऊपर बताया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह से पुनः जो है CH2Cl2 का पुनः क्लोरीनीकरण कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये बनाएगा आपका जो है CHCl3 + HCl बनाएगा, ठीक है। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म, क्लियर हो गया आपका, जो है इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, और आईपीएससी नामकरण कर देंगे तो हो जाएगा ट्राई क्लोरो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन, एचसीएल का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। पुनः जो है CHCl3 का क्लोरीनीकरण करा देंगे वही प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां से पुनः जो हाइड्रोजन है वह विस्थापित होगा और उसके स्थान पर क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा और यह बनाएगा जो है CCl4 प्लस HCl, HCl बनाएगा जिसका नाम होगा जो है टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरो मेथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरो मेथेन। तो क्या देख रहे हैं, जब प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की क्रिया कराई गई जो है, तो मेथेन का प्रत्येक आपका हाइड्रोजन परमाणु, मेथेन का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होकर उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ता है और क्या बना रहा है आपका जो है हैलो एल्केन बनाने का, मतलब हैलो एल्केन बनाता है, क्लियर हो गया जो है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कैसे बनाएंगे हम जो है, चलो चलो अगला देखते हैं हम जो है कि हैलो एल्केन को किस विधि से बनाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है एल्कोहल द्वारा, अब एल्कोहल द्वारा हम हैलो एल्केन को कैसे बनाएंगे, जब एल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता आपका जो है हैलो एल्केन प्राप्त होता, जैसे ठीक है ये आपका सूत्र होता है एल्कोहल, ठीक है, आर ओ एच, आर ओ एच जो सूत्र होता है वह एल्कोहल का होता है और हाइड्रोजन हैलाइड का जो सूत्र होता है वह एच एक्स होता है, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का जो सूत्र होता है वह एच एक्स होता है। जब एल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराता है तो जो हैलाइड परमाणु अर्थात हैलोजन जो परमाणु होता है यहां से हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी आयन को जो है वो विस्थापित कर देता है और हाइड्रॉक्सी आयन को विस्थापित करके उसके स्थान पर ये हैलाइड परमाणु जुट जाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है आपका जो है, आप अब यहां से हाइड्रॉक्सी परमाणु विस्थापित होकर अब उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा जो है हैलोजन परमाणु, तो ये बनाएगा आर एक्स प्लस, अब देखिए जहां से यहां से ओ एच और यहां से एच, ठीक है, ओ एच और यहां से एच जब आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा आपका जो है एच टू ओ अर्थात जल बनाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि एल्कोहल, एल्कोहल जब हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, के साथ संयोग किया तो क्या बनाया जो है हैलो एल्केन, हैलो एल्केन और जल को बाहर कर देता, ठीक है। तो ये आपका जो है एल्कोहल में पहला पॉइंट हुआ कि जब एल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ संयुक्त कराएंगे तो हैलो एल्केन बना पड़ेगा जो है, उसी तरह अन्य, ठीक है, अन्य चीजों का भी एल्कोहल, अन्य यौगिकों का भी जो है एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका जो है, ठीक है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, जब एल्कोहल का, एल्कोहल का, ठीक है, अब किसी लवण, लवण का मतलब जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl हो गया, NaCl के साथ जब क्रिया कराएंगे,
सीएल के साथ जब संयोग कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो यहां से जो सीएल परमाणु होगा वह हाइड्रॉक्सी परमाणु को क्या करेगा, जो है विस्थापित कर देगा, अर्थात उसको हटाकर वह हैलोजन परमाणु के स्थान पर जुड़ेगा। क्लियर हुआ होगा जो है, तो देखिए तो यहां से ये जुड़ेगा जो है, तो ये बनाएगा आपका जो है आर सी एल प्लस, ठीक है, आपका एन ए ओ एच। यदि यहां का एन ए, यहां पर कोई हैलोजन परमाणु ले लिए सोडियम हैलाइड, ठीक है, तो पहले सी एल यहां पर था जो है, अब देखिए यहीं से एल्कोहल को सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, लेकर जब संयुक्त कराएंगे तो ये हैलाइड जो परमाणु होगा, हैलाइड परमाणु यहां से हाइड्रॉक्सी परमाणु को क्या करेगा, जो विस्थापित करेगा, और सोडियम जो परमाणु होगा इस हाइड्रॉक्सी परमाणु के साथ संयोग कर लेगा, हाइड्रॉक्सी परमाणु के साथ क्या करेगा जो है, संयोग कर लेगा, और ये बनाएगा आपका जो है आर एक्स प्लस एन ए ओ एच, क्या बनाएगा जो है, हेलो एल्केन और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा जो है। आर एक्स का नाम ऊपर लिखे ही है आपका हेलो एल्केन, और एन ए ओ एच का जो नाम होता है वो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। नाम लिख दे रहे हैं जो है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया जो है, फिर उसी तरह से ले ले रहे हम जो है यहां पर आर ओ एच, और यहां पर हम ले ले रहे हैं एन ए बी आर, मतलब सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड ले लिया गया जो है, और सोडियम ब्रोमाइड के साथ जल आपका एल्कोहल का संयोग कराया जाए, एल्कोहल की क्रिया कराया जाए, तो यहां से जो ब्रोमीन आपका जो होगा वह हाइड्रॉक्सी को क्या कर देगा, विस्थापित करेगा जो है, ठीक है, हाइड्रॉक्सी को विस्थापित कर देगा, और यानी जो होगा वह हाइड्रॉक्सी के साथ संयोग कर लेगा, ठीक है, यानी जो होगा वह हाइड्रॉक्सी के साथ क्या कर लेगा जो है, संयोग कर लेगा, तो ये क्या बनाएगा आर बी आर प्लस एन ए ओ एच, ठीक है। तो यहां पर आपको ये आर क्या है, आर क्या है, तो यहां पर देखेंगे कि आर आपका जो है वह एल्किल समूह है, एल्किल, ठीक है, एल्किल का जो सामान्य सूत्र होता है आर जो होता है वह आपका होता है एल्किल, ठीक है, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है सी एन एच टू एन प्लस वन का, सी एन एच टू एन प्लस वन का, ठीक है। जब यहां पर कोई कार्बन या एल्किल समूह को रखेंगे, एल्किल समूह को रखेंगे तो इस सूत्र के अनुसार रखेंगे, इस सूत्र के अनुसार रखेंगे, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे अब यहां पर मैंने एक कार्बन ले लिया, सूत्र भी मैंने बताया सी एन एच टू एन प्लस वन, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी जो है, ठीक है, तो दो और एक तीन हो जाएगा, अर्थात सी एच थ्री ये हो जाएगा ओ एच, ठीक है। इसको जब है हम सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करा देंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया करा देंगे तो यहां से जो सोडियम परमाणु जो होगा वह हाइड्रॉक्सी परमाणु के साथ संयोग करेगा, और क्लोरीन परमाणु हाइड्रॉक्सी को क्या कर देगा जो है, विस्थापित कर देगा जो है, और इसके स्थान पर कौन सा परमाणु आ जाएगा जो है, क्लोरीन परमाणु आ जाएगा, तो क्या बनाएगा आपका जो है सी एच थ्री सी एल प्लस एन ए ओ एच, एन ए ओ एच आपका बन जाएगा जो है। क्लियर हो गया होगा जो है। अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि अगले पॉइंट में एल्कोहल की किस यौगिक से क्रिया कराएं कि हेलो एल्केन प्राप्त। देखो अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है, एल्कोहल का जब फास्फोरस हैलाइडों के साथ क्रिया कराएंगे, एल्कोहल का जब फास्फोरस हैलाइडों के साथ क्रिया कराएंगे तो भी हेलो एल्केन प्राप्त होता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा जो है
फास्फोरस हेलाइड में आपके दो हेलाइड आते हैं, फास्फोरस हेलाइड में आपके दो हेलाइड आते हैं, पहला फास्फोरस ट्राई हेलाइड, पहला आता है फास्फोरस ट्राई हेलाइड और दूसरा आता है फास्फोरस पेंटा हेलाइड। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि जब एल्कोहल है फास्फोरस हेलाइड उस क्रिया कराएंगे तो पहले किसे क्रिया कराएंगे, फास्फोरस ट्राई हेलाइड से क्रिया कराएंगे। जब फास्फोरस ट्राई हेलाइड से क्रिया कराएंगे तो हेलो एल्केन कैसे प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए जब एल्कोहल आर ओ एच एल्कोहल का सूत्र हो गया और फास्फोरस ट्राई हेलाइड पी एच थ्री, फास्फोरस ट्राई हेलाइड पी एक्स थ्री के साथ मैंने क्रिया कराया, ठीक है, पी एक्स थ्री के साथ मैंने क्रिया करा दिया तो क्या बनेगा, जो ध्यान दीजिए ये हेलाइड परमाणु जो होगा यहां से हाइड्रॉक्सी परमाणु को क्या कर देगा, जो है विस्थापित कर देगा, जो है हाइड्रॉक्सी परमाणु को क्या करेगा, जो है विस्थापित कर देगा और इसके स्थान पर हेलाइड परमाणु बन जाएगा। तो ये बनाएगा आर एक्स, मतलब कि हेलो एल्केन। लेकिन जब फास्फोरस हाइड्रॉक्सी के साथ संयुक्त करेगा तो थोड़े से कुछ बातों पर भी ध्यान देना होगा कि हाइड्रॉक्सी समूह को यदि हम डायरेक्ट इस तरह से लिख दें पीओएच तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी तत्व का जब किसी अन्य तत्व से या अन्य परमाणु से संयुक्त करवाते हैं, जब किसी परमाणु का अन्य परमाणु से संयुक्त कराकर कोई यौगिक बनाते हैं तो उसके साथ साथ मुझे विशेष यह बात पर ध्यान देना होता है कि उसकी संयोजकता क्या है, उसकी संयोजकता भी पूर्ण होनी चाहिए, ये नहीं कि हम किसी को किसी प्रकार से लिखते हैं। तो यहां पर जब फास्फोरस हाइड्रॉक्सी के साथ संयोग करेगा तो आपका जो है H3PO3 बनाएगा, अर्थात आर्थो फास्फोरिक अम्ल बनाएगा, क्या बनाएगा, जो है आर्थो फास्फोरिक अम्ल, नाम लिख दे रहे हैं जो है आर्थो फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, और इसका नाम अभी पीछे बताया ही है कि हेलो एल्केन का जो है, और इसका नाम एल्कोहल हो गया, और ये किसका नाम है आपका जो है फास्फोरस ट्राई है, फास्फोरस ट्राई हेलाइड। तो जब एल्कोहल का हम फास्फोरस ट्राई हेलाइड के साथ संयोग कराते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन और आर्थो फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है, आर्थो फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देंगे अगले वीडियो में, फास्फोरस पेंटा हेलाइड और अन्य और चीजों से मैंने बताऊंगा कि किस प्रकार से एल्कोहल को बनाएंगे और एल्कोहल से हेलो एल्केन को बनाएंगे। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।